Welcome back to my channel. To all those who is channel pe naye, hello, my name is Karan Madara and I am currently pursuing Computer Science and Engineering degree from IIT Bombay. So, is channel pe maine book se related stuff bhi JEE ke bare mein dal rakha hai, so please go check that out if you are interested in that. So, moving on to the aaj ke topic ke upar. So, aaj ka ye video ek normal real talk rakhne ki koshish ki hai maine. Like mere previous bahut sare videos mein aur mere ko meri Google ID ke upar bhi bahut sare logon ne mail karke ek question pucha. वो ये था कि भैया आपने कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन किया और आपने सेल्फ स्टडी क्यों किया, यानी कि आप मतलब नॉर्मल स्कूल क्यों गए. तो मेरे को लगा कि हाँ, इस पॉइंट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लाइक वन ऑफ द मेजर डिसीजन है जो आपके जेई के जर्नी को अफेक्ट कर सकता है. सो जब मैंने डिसीजन लिया था तो उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, मेरे क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस थे, तो मैं सोचा क्यों ना इसको इस एक छोटे से वीडियो में एड्रेस कर दिया जाए. सो इलेवेंथ में जब मैं था और जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अब तो जेई की प्रिपरेशन करनी है, अब तो आईआईटी क्रैक करना है ऐसा करके, तो उस टाइम पे तो सबसे पहले था कि लाइक कोचिंग जाऊं ना जाऊं. जब मैं डिसीजन को सोच रहा था तो एक कारण जिसके कारण मैं रुका था, वो मेरे को मतलब जो अच्छा नहीं लग रहा था, वो ये था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो वो एक मेजर क्राउड को एक साथ बैठाते हैं, लाइक 100-150 बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं और सबको टीचर पढ़ा रहा है. तो मेरे को एक मन में ये था कि क्या उतने बड़े क्राउड के अंदर मैं पढ़ पाऊंगा. लाइक नॉर्मल स्कूल में चल जाओ, 40-50 बच्चे अगर एक क्लास में होते तो भी लाइक पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इधर से कोई मस्ती उधर से कोई मस्ती, टीचर का इंटरेक्शन वन ऑन वन कम होता है. तो उसी एक चीज को सोच के मेरे मन में था कि अगर जाऊंगा कोचिंग में तो ऑब्वियसली वहां पे ऐसे बड़े बड़े बैचेस तो मिलने ही है. तो मेरे मन में यही आया कि लाइक इतने बड़े बैच में जाना क्या एक सही डिसीजन होगा नहीं होगा. सो ये एक चीज थी जो मैं थोड़ा मेरे को रोक रही थी कि नहीं यार, कोचिंग में मजा नहीं आएगा करके. सेकंड चीज जिसने मेरे को थोड़ा कोचिंग ना जाने के डिसीजन को और स्ट्रांग किया वो ये था कि एक कोचिंग में जाना और फोकस सिर्फ और सिर्फ जेई पे करना, एक मतलब एक वो कह देता है कि आप लाइक सिर्फ एक ही एम अपने मन में रख रहे हो. लाइक हाँ, एक एम रखना लाइफ में इज अ गुड थिंग एंड ऑल, आई नो दैट. बट 11th और 12th के उस टाइम में हर बच्चा श्योर नहीं होता कि उसको आईआईटी करनी है. लेकिन आपको करनी है, मेरे को करनी है, था मन में बैक ऑफ द माइंड में था कि नहीं आईआईटी तो करनी है. बट स्टिल अगर अगर आपके मन में थोड़ा भी ऐसा आता है कि नहीं यार, हो सकता है कुछ और कर लूँ मैं, हो सकता है मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो फिर अगर आपके मन में अगर ऐसे कुछ भी अगर थॉट्स, या फिर आप चाहो कि मैं कुछ एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, हो सकता है मेरा डिसीजन चेंज हो जाए, तो इन सारे क्राइटेरियाज के बाद में अगर आप कोचिंग में जाते हो और वहाँ पे 1-1.5 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक टाइप से वो आपके ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है, लाइक कि नहीं यार, अब तो यही करना पड़ेगा, अब तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने. तो ये सारे जो एक प्रेशर वाला सिनेरियो था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर वो वाला प्रेशर आए. इट्स लाइक कि अभी तो आए 11th 12th में, हो सकता है कि अब तक आर्मी का ट्राई कर ले, डिफेंस में एनडीए चले जाए, हो सकता है कुछ और कर ले, हो सकता है कि नहीं यार मैं तो स्ट्रीम ही चेंज कर दूं. तो ये भी ऐसे थोड़े थोड़े डाउट्स थे मेरे मन में उस टाइम पे कि लाइक क्या करना है करके. तो इसलिए उस टाइम पे मेरे मन में था कि फालतू का 1-1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना, और क्योंकि 1.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट पर एनम एक छोटी चीज नहीं है, लाइक इट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट. सो इसी चीज के चक्कर में फिर मैंने थोड़ा बैकफुट पे चला गया मैं डिसीजन पे कि नहीं यार, कोचिंग तो लाइक जमेगी नहीं मेरे को. जब मेरे मन में ऐसा थोड़ा सा आया कि नहीं यार, कोचिंग नहीं जाएंगे करके, तो फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एड्रेस करना था वो ये था कि अगर मैं आज के दिन कोचिंग नहीं जाता हूँ और अगर मेरे को जेई करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा. लाइक क्योंकि मोस्टली आप किसी भी क्राउड को देख लो, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को देख लो जिन्हें जेई क्लियर करना है, वो सब कोचिंग जा रहे होंगे. आपके आसपास कोई भी होगा, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, किससे पूछ लो, अगर उनको जेई करना है तो कोचिंग जा रहे होंगे. लाइक दिस इज मोस्टली द सिनेरियो. सो उस टाइम पे मेरे मन में ये था कि अगर मतलब लाइक हाँ, मेजरली मेरा मन तो था जेई की तरफ, तो इट वॉज लाइक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आया वो ये था कि अगर करने का मन हो गया और आज मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा. सो इट वॉज लाइक थोड़ा सा रिस्की डिसीजन जो मैं कहूंगा, जो मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि फिर मैंने बैठ के रियल में यही सोचा कि लाइक कोचिंग जाऊंगा तो मेरे को क्या फायदे होंगे, कोचिंग जाऊंगा तो ऐसा क्या सीख लूंगा जिससे मेरी जेई क्लियर हो जाएगी, कोचिंग नहीं जाऊंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा. तो इन सारी चीजों को मैं सोच रहा था, तो फिर मैंने लॉजिकली फिर मैंने यही सोचा कि कोचिंग में जाके आपको क्या सिखाया जाता है, मतलब ऑब्वियसली यही चेन ऑफ थॉट आपका भी जाएगा. सो या कोचिंग में जाओ, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस टीचर्स है तो वो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दे, सेलेक्टेड थ्योरी पोर्शन दे दे उस चैप्टर से क्या करना है, और उनका अप्रोच पता चल जाए तो लाइक थोड़ा इजी हो सकता है. तो मैं सोचा क्या मैं ये सब खुद कर सकता हूँ, क्या मैं थ्योरी पोर्शन, क्या मैं हार्ड क्वेश्चंस, क्या मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस खुद से कहीं से ढूंढ डांट के निकाल पाऊंगा अगर मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ तो.
तो फिर यही सब सोच के फिर मैंने अपने रिसोर्सेज फाइंड आउट किए, मैंने बुक्स का पता लगाया, मैंने देखा कि हाँ मेरे को बुक्स पढ़ूंगा तो क्या मेरे से हो जाएगा। फिर मैंने ऑब्वियसली मैं गया और जाके मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश की जिन्होंने विदाउट कोचिंग जेई क्लियर किया हो। वैसे एग्जाम्पल तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं मिले थे, हाँ थोड़े बहुत मिले थे बट बल्क में नहीं मिले थे। उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस था अपने डिसीजन को लेके, बट आई वॉज लाइक कि अगर खुदा ना खास्ता और अगर मेरे को मन किया 2 साल की प्रिपरेशन जो मैं खुद से करूंगा इन सब के अलावा कि नहीं यार इस प्रिपरेशन में हुआ नहीं और अब भी मेरे को जेई करना है, जेई इज माई लाइफ और ऐसा करके कुछ मेरे मन में आता है, तो जो 2 साल का इन्वेस्टमेंट जब आप स्कूल जाके बेसिक थ्योरी गेन करते हो, बेसिक क्वेश्चंस करते हो, खुद से अगर पढ़ रहे हो तो तुम अपनी थ्योरी को एडवांस जितना कर पा रहे हो कर रहे हो, तो अगर इतना करने के बाद आपको लगता है कि अब मेरे को 1 साल और देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उस 1 साल के अंदर आप कोचिंग जाके भी उतना सब कुछ सीख लोगे और उतना सब कुछ कर लोगे, अनलेस एंटिल आपको कुछ ज्यादा ही अलग से कुछ नहीं करना है तो जेई क्लियर हो जाएगी उतने टाइम में भी। तो लाइक मेरा चेन चेन ऑफ थॉट यही था कि अपने ऊपर प्रेशर मत डालो फालतू का कोचिंग जाके कि यार अब तो घर वाले भी बोल दिए जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ये भी बोल रहे जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। हाँ एक प्रेशर दिमाग में होना अच्छा होता है बट मेरे ख्याल से वो प्रेशर अगर इंटरनली आए, लाइक अदर फैक्टर्स के कारण ना आए बट इंटरनली आए कि अगर दिल आपका बोले कि नहीं यार आप तो मेरे को जेई करना है और मैं करूंगा, तो वो प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। बट अगर दूसरे लोगों के और फाइनेंशियल रीजंस और इन सब के कारण अगर आपके मन में प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर आपको मोटिवेट कम और क्रम्बल करेगा ज्यादा। तो फिर इसी चक्कर में फिर मैंने तो भाई बुक्स बुक्स फॉलो की, बुक्स वगैरह के पीछे गया मैं। आई वॉज लाइक कि जितनी जी जान हो सकती है जितना मैं अपनी तरफ से जान लगा सकता हूँ मैं लगा दूंगा जेई में और खुद की तरफ से, और इसी टाइम पे अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ हो सकता है अगर मेरे को अगर स्ट्रीम भी चेंज करनी होगी तो मैं अपने उस डिसीजन को बड़े आसानी से स्मूथली चेंज कर पाऊंगा। इसी सब फैक्टर्स को लेकर फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन किया और मेरे मन में एक बैकअप ऑप्शन ऑब्वियसली यही था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूंगा, मैंने इतना पढ़ा है तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा। मैं उस चीज के ऊपर बिल्डअप करके 1 साल की कोचिंग ड्रॉप लेके कर सकता हूँ। दीज वेयर माई थॉट्स कि क्यों मैंने कोचिंग नहीं ली या फिर क्यों मैं उस मेजर जो बल्क जो या जो मेजर मेंटेलिटी जो है उसके पीछे मैं नहीं गया। एक और चीज जो इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहूंगा वो है कि अगर ये वीडियो अगर कोई 9th 10th और उतने साल वाला कोई बच्चा देख रहा है और उसके मन में एम नॉट ओनली जेई क्लियर करना है बट ओलम्पियाड वगैरह में भी क्रैक करना है और ओलम्पियाड वगैरह की भी तैयारी करनी है, देन आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड आई मस्ट से कि अगर आप उस सिनेरियो के बारे में सोच रहे हो फिर आपका कोचिंग जाना इज अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि नॉर्मली स्कूल के अंदर उतने हाई लेवल के ओलम्पियाड और इन सब की पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको ओलम्पियाड और उस अलग टाइप के पेपर के कारण के पीछे जाना है फिर तो आई एम श्योर कि अभी से आप लग जाओ 9th 10th में और ओलम्पियाड के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो या दैट्स इंटायरली डिफरेंट रूट, वो तुम अलग ही रूट में। मेरा कोचिंग का ये जो मेरा डिसीजन है ये मैं सिर्फ और सिर्फ पर्टेनिंग टू उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको फिलहाल सिर्फ जेई का है मन में और ओलम्पियाड वगैरह नॉट देयर प्राइम फोकस, तो उन चीज के लिए मैं और या उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि लाइक मेरा लाइन ऑफ थॉट ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग में जाने के बाद भी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपका IIT क्लियर हो जाएगा, लाइक श्योरिटी तो कहीं भी नहीं है, बट हर प्रिपरेशन हर चीज डिपेंड करती है आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर कि आप खुद से कितने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर रहे हो। एक बच्चा जो कोचिंग जाके 6 घंटे का कोचिंग अटेंड कर रहा है उस बच्चे का भी जेई तभी निकलेगा जब वो 6 घंटों के अलावा 12 घंटे खुद का बैठ के सेल्फ स्टडी करेगा, या फिर 12 घंटे इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं नहीं कह रहा हूँ 12 घंटे पढ़ो, आई एम जस्ट सेइंग कि उसके बाद जो बंदा जितनी सेल्फ स्टडी करेगा उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर आप उस लेवल की सेल्फ स्टडी विद सम फ्यू गुड बुक्स या सम फ्यू गुड रिसोर्सेज अगर खुद से करने की कैपेबिलिटी रखते हो और आपको खुद में विश्वास है कि नहीं इतनी सेल्फ स्टडी तो मैं खुद से कर सकता हूँ, तो आई वुड से कि कोचिंग जाना इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। ऑल्सो कई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोचिंग नहीं जाने के रीजन्स भी ढूंढ रहे होंगे, लाइक क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था कि ऐसे चीज जो मेरे को अपने उस डिसीजन को मतलब एक सपोर्ट दे दे कि हाँ यार उन्होंने भी कहा था कि मत जाओ तो हो जाएगा। तो फॉर श्योर मैं एक चीज तो आपको कहना चाहूंगा, हाँ डिफिकल्ट है, जरूर डिफिकल्ट है, क्योंकि एट दी एंड जब पेपर पास आ रहा हो या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए हो तो उस टाइम पे क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई वुड से कि अगर आप जी जान लगा दो और अगर आप खुद से करो तो इतना भी आसान इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है जेई क्लियर करना। इट इज
एट द एंड ऑफ द डे आप पेपर जो आपकी थ्योरी टेस्ट करने वाला है. सो कोचिंग नहीं जाना वो जाना आई वुड से इट इज योर कॉल. आई जस्ट गेव यू माई व्यूज एंड माई एक्सपीरियंस जो मेरे मैंने मतलब देखा, जो मैंने सुना और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उन्हीं सबको मैंने शेयर किया ताकि आप अपना अगर डिसीजन लेना लेने की सोच रहे हो तो एक प्रॉपर वेल क्या बोलते हो उसे वेल रिसर्च डिसीजन लो. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्रेस माइसेल्फ थ्रू दिस वीडियो कि लाइक मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मेरा डिसीजन क्यों था. क्योंकि अगर मैं अभी दो चार वीडियो में बोलता हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैं कोचिंग नहीं गया तो हो सकता है कि एक आध बच्चा कोई ऐसा भी निकल जाए क्राउड के अंदर जो बोले कि यार मैं भी कोचिंग नहीं जाता हूँ चलो. बट हो सकता है उसके पास वो इतना रिसोर्स फाइंड आउट करने के ऑप्शंस ना हो या वो इतना डिटर्मिनेशन के साथ ना बैठ पाए, तो फिर तो एट द एंड ऑफ द डे वो उस बच्चे के लिए घाटे वाली बात हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक लेट्स पुट दिस वीडियो एंड लेट द पीपल डिसाइड ऑन देयर ओन कि मेरा डिसीजन क्या था, क्या उनको मेरा डिसीजन के ऊपर अपना डिसीजन बेस्ड करना है कि अलग डिसीजन बेस्ड करना है, वो तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कॉल है. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू माई साइड ऑफ एक्सपीरियंस एंड माई साइड ऑफ the thinking जिसके कारण मैं कोचिंग नहीं गया था. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. लाइक आई नो नथिंग फैंसी स्टफ इन दिस वीडियो, जस्ट अ नॉर्मल टॉक, बट आई जस्ट थॉट दिस नीड टू बी सेड, दिस नीड टू बी डिलीवर्ड एंड दिस नीड टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर इन दिस डिलेमा ऑफ कोचिंग और नो कोचिंग. कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल, कोचिंग जाना भी अच्छा है, कोचिंग नहीं जाना भी अच्छा है, बिकॉज सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब आपकी इनर विल पे डिपेंड करता है. इनर विल है तो दोनों जगह जाओ हो जाएगा, इनर विल नहीं है तो कहीं भी चल जाओ नहीं होगा. सो आई एम श्योर ये तो पता ही है आपको. सो ज्यादा इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू नॉट ओनली जेई बट माई एक्सपीरियंस इन लाइफ, व्लॉग्स एंड एक्सेट्रा वंस द कॉलेज ओपन, एंड आई एम श्योर यू विल लव दोज टू. सो टिल देन बाय, टेक केयर.